हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो देखिए, अपन ने गाउस के नियम और गोले कोस के कारण दूसरे तीव्रता और चालक गोले के कारण दूसरे तीव्रता अचालक गोले के कारण दूसरे तीव्रता ये पढ़ ली थी गाउस के नियम से। और इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कि आवेशित चालक की सतह पर बल। कि देखो, आवेशित चालक की सतह पर बल, तो आप जानते हो जब किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उस चालक की सतह पर वितरित हो जाता है। ठीक है, उस चालक की सतह पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। जैसे यहाँ पर कोई ये चालक है, गोला चालक, गोली चालक है ये वाला। ठीक है, अब इसको अपन आवेशित करेंगे, क्या करेंगे आवेश। जैसे मैंने इसको आवेश किया तो इस पर क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा और ये धनावेश उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें अपन अल्पांशों में डिवाइड करता हूँ। तो एक अल्पांश ले लेता हूँ छोटा, ये छोटा अल्पांश ले लिया, इसका नाम देता हूँ मैं ए बी, इसका नाम देता हूँ ए सी बी, ये हो जाएगा ए सी बी। तो यहाँ पर देखो कि इस अल्पांश पे और ये अल्पांश, ये बड़ा अल्पांश है, तो यहाँ पर भी क्या है धनावेश और यहाँ पर भी क्या है धनावेश। तो यहाँ पर धनावेश और यहाँ पर भी धनावेश, सजातीय आवेश है। तो ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग पर, इस अल्पांश पर क्या लगाता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है। मतलब इस चालक के इस भाग द्वारा, इस भाग पर, ये छोटे भाग पर, छोटे अल्पांश पर लगने वाला वो छोटे अल्पांश पर उपस्थित आवेश पर अन्य भाग द्वारा या शेष भाग द्वारा एक प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एक प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है। प्रतिकर्षण बल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर इस भाग पर भी क्या है धनावेश है और इस भाग पर भी क्या है धनावेश, दोनों सजाती है। सजाती होने का क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इस प्रकार इस पर मैं अगर मान लो बहुत सारे अल्पांशों की कल्पना कर लेता हूँ तो प्रत्येक अल्पांश क्या करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इस प्रकार इस पूरे के पूरे गोले पर लग, इस पूरे के पूरे गोले की सतह पर लगने वाला जो कुल बल होगा सभी अल्पांशों के द्वारा लगने वाले प्रतिकर्षण बल के बराबर होगा या प्रतिकर्षण बल के योग के बराबर होगा। तो माना कि यहाँ पर ए बी अल्पांश है और यहाँ पर कौन सा है ए सी बी अल्पांश है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, अपन दो भाग, दो बिंदु लेते हैं। क्या लेते हैं, दो बिंदु लेते हैं। एक तो अपन लेते हैं अंदर, एक तो क्या लेते हैं अंदर, ये वाला कौन सा हो गया पी वन भाग और ये वाला कौन सा हो गया पी टू, ये कौन सा बिंदु हो गया पी टू। मतलब एक तो अंदर हो गया, एक तो अंदर ले लिया बिंदु और एक कौन सा ले लिया बाहर ले लिया। तो आप जानते हो गाउस के नियम से, क्या जानते हो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर आप जानते हो कि आपके पास पता है कि EP1 बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास EP1 बराबर क्या हो जाएगा K, मतलब EP1 मतलब विद्युत क्षेत्र का मान किस पर, P2 बिंदु पर, किस पर P2 बिंदु पर, EP2 मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं EP2 मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा KQ अपॉन, यहां से यहां तक दूरी कितनी मान लो R स्क्वायर मान लो, क्या मान लो R स्क्वायर मान लो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो EP2 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा Q। तो आप जानते हो चूंकि सिग्मा बराबर आप क्या ले सकते हो Q अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, या आप ले सकते हो 4 पाई, या देखो अभी एक लाओ अभी ताकि दो EP2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास K, या ये सिग्मा दे दो Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट, चूंकि A बराबर क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा EP2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। मतलब EP2 बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार आप देखते हो तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी गाउस के नियम से। अतः ये देखो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो आप जानते हो कि यहाँ पर अंदर वाला बिंदु कौन सा है P1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AP1, यहाँ पर क्या हो जाएगा AP1। तो आप जानते हो कि गोले पर जो आवेशित गोला है या चालक गोला है, चालक गोले के अंदर
जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। यह आपने कहाँ पढ़ा था? गॉस के नियम में पढ़ा था, यहाँ पर आवेशित गोले कोष के कारण या चालक गोले के कारण। तो यहाँ पर हो गया AP2 बिंदु पर गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट, और PP बिंदु पर कितनी हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शून्य आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आप जानते हो कि ये AB बिंदु है, यहाँ पर AB अल्पांश वह कौन सा अल्पांश, ACB अल्पांश या इस गोले को दो भागों में बांटा है हमने, कौन सा AB अल्पांश में, और एक कौन सा बड़ा अल्पांश, कौन सा ACB अल्पांश। अल्पांश से पारित विद्युत क्षेत्र, पारित विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, पारित विद्युत क्षेत्र क्रमशः कौन-कौन सा मान लो E1 / E2 मान लो, कौन सा मान लो E1 / E2 है, तो पहले किस बिंदु पर मानते हैं, P2 बिंदु पर मानते हैं, किस पर मानते हैं, P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो आप जानते हो कि यहाँ पर P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मान क्या हो जाएगा, AP2 हो जाएगा। ये तो किस नियम से था, आपके गॉस के नियम से था, लेकिन यहाँ पर अपने निकालते हैं इस दिशाओं के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर भी कौन सा आवेश है, धनावेश है, तो इस AB के कारण विद्युत क्षेत्र कौन सा है, E1 है आपके पास, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है। लेकिन यहाँ पर देखो कि हमेशा आप जानते हो धनावेश कारण विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होती है, बाहर की ओर, तो इस अल्पांश के कारण जो अल्पांश पर उपस्थित आवेश उसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगी, बाहर की ओर होगी। एक छोटा अल्पांश का विद्युत क्षेत्र दिशा कितना है, E1 हो गया, कौन सा हो गया, E1 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये अल्पांश है, बड़ा वाला अल्पांश, उस पर भी कौन सा है, धनावेश, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, तो वो कौन सा मान लो, E2 मान लो आप। तो यहाँ पर देखो दोनों की दिशा क्या है, E1 और E2 की दिशा क्या है, समान है, समान होने के कारण दोनों क्या हो जाएगी, E2 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी टोटल, वो क्या हो जाएगी, दोनों के योग के बराबर हो जाएगी आपके पास। ठीक है, इसको क्या दे दो, समीकरण नंबर 3 दे दो आप, समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखोगे, P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता लोगे, तो P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे अपन, यहाँ पर भी क्या निकालेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। P1 बिंदु पर कैसे निकालेंगे अपन, देखना सेम इसी की तरह निकालेंगे इस मेथड से। तो यहाँ पर देखो ये धनावेश है AB अल्पांश का, देखो पहले तो AB अल्पांश का ये धनावेश, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगी, AB अल्पांश पर धनावेश है उसका विद्युत क्षेत्र इधर होगी, और AB के कारण विद्युत क्षेत्र कौन सा है, E1, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी। और यहाँ पर कौन सा है, ACB अल्पांश पर उपस्थित धनावेश है उसका विद्युत क्षेत्र होगी, इधर होगी बाहर की ओर, इसके कारण इस दिशा में होगी, और इसके कारण क्या हो जाएगी, इस दिशा में होगी, क्योंकि इस आवेश के कारण इधर ही होगी ना, तो ये वाला तो कौन सा हो गया, E2, क्योंकि ACB के कारण क्या हो जाएगा, E2, और AB के कारण इधर होगा, इधर, क्योंकि इससे तो बाहर होगा ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 बिंदु पर, तो E और P1 बिंदु पर, इसलिए क्या हो जाएगा, E1 माइनस, अब सबसे ज्यादा किसका है, E2 का होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। समीकरण नंबर 4 आप दे सकते हो, लेकिन आप देखो समीकरण नंबर इससे देखो, इससे 2 से P1 मान का कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर मान रहे हो, तो समीकरण नंबर 4 में 2 से मान रखने पर, 2 से मान रखने पर, 2 से मान रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा, E1। समीकरण नंबर 5, तो यहाँ पर देखो E2 का मान और E1 का मान क्या है, बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर E1 का मान क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर सिद्ध कर दिया E2 बराबर क्या होता है, E1 के बराबर। अब देखो समीकरण नंबर 5 से किसमें मान रहा, तो 4 में, तो EP2 का मान आ जाएगा, तो अतः EP2 या समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में 5 से मान रखने पर, 5 से मान रखने पर, मान रखने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, EP2 बराबर टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर E1 प्लस E2 बराबर कितना है, 2E1 कितना है, 2E1 हो गया, सही है, क्योंकि E1 और E2 का मान कितना है, 2E1 हो गया। तो आपके पास ये E2 मान लो क्या हो गया, E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास एल ई पी टू का मान देखो आप कितना है सिग्मा फोर टू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आता है समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक से यहाँ पर क्या जाएगा सिग्मा अपॉन क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये रहा ई पी टू का मान, तो यहाँ पर क्या जाएगा टू अपॉन एप्सिलॉन टू ई टू हो जाएगा, तो यहाँ पर ई टू का मान कितना आ जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उस वो कितना आ जाएगा E2 बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखो इसके विद्युत क्षेत्र में कौन रखा हुआ है ए बी अल्पांश रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है ए बी अल्पांश रखा हुआ है, अतः यहाँ पर लिखोगे आप अतः ए सी बी के विद्युत क्षेत्र कौन सा है ये वाला, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट में कौन रखा हुआ है ए बी अल्पांश रखा हुआ है, ए बी अल्पांश रखा हुआ है तो क्या होगा अभी इसके विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है कौन ए बी अल्पांश रखा हुआ है, तो ए बी अल्पांश पर जो आवेश है वो क्या करेंगे बल का अनुभव करेंगे है रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा ए बी पर उपस्थित आवेश आवेश बल का अनुभव करते हैं यदि यदि ए बी पर उपस्थित आवेश कितना हो डेल क्यू हो तो बल कितना होगा, तो यहाँ पर बल कितना हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा एफ बराबर कितना हो जाएगा आपके पास डेल एफ, डेल एफ बराबर क्या हो जाएगा इस अल्पांश पर इसे डेल एफ लिया है तो इस अल्पांश क्योंकि डेल क्यू आवेश पर लग रहे ना और नहीं अपन, तो डेल क्यू आवेश पर लगने वाला बल तो क्या हो जाएगा आप जानते हो ई टू बराबर किसके विद्युत क्षेत्र में ई टू के विद्युत क्षेत्र में भी अल्पांश, तो ई टू बराबर क्या हो जाएगा डेल क्यू, क्योंकि आप जानते हो कि ए बराबर क्या होता है आपके पास आप जानते हो कि ई बराबर क्या होता है एफ अपॉन क्यू, तो ए बराबर क्या जाएगा आपके पास ई क्यू होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर देखो ई टू ई टू विद्युत क्षेत्र है और डेल क्यू आवेश आ गया, ठीक है इस तरह से आपके मान रखते हैं, तो आप देखो डेल एफ बराबर क्या जाएगा आपके पास ई टू का मान कितना है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और डेल क्यू का मान कितना होगा, अब आप जानते हो सिग्मा बराबर क्या होता है डेल क्यू अपॉन क्या होता है डेल एस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू सिग्मा डेल एस हो जाएगा, डेल क्यू को देखो क्या जाएगा सिग्मा डेल एस हो जाएगा, डेल एस किसका क्षेत्रफल है इस अल्पांश का क्षेत्रफल है और इस पर डेल क्यू ही आवेश किस पर इस अल्पांश पर, तो यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल एस हो जाएगा, तो यहाँ पर मान रख दिया तो यहाँ पर डेल ई बराबर कितना जाएगा डेल एफ बराबर कितना जाएगा डेल एफ बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और डेल एस हो जाएगा, ठीक है तो संपूर्ण बल कितना हो जाएगा आपके पास, तो संपूर्ण सतह पर कितना बल हो जाएगा, तो आपको निकले आवेश तल की सतह पर कुल बल निकालना है, तो संपूर्ण सतह के कारण बल संपूर्ण सतह के कारण बल निकालोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा इंटीग्रेशन करोगे इसका एफ का मान निकालोगे तो एफ बराबर क्या जाएगा इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या जाएगा टू एस हो जाएगा, तो यह तो हो गया बल, यहाँ तो क्या हो गया संपूर्ण सतह पर बल निकल जाएगा, ठीक है लेकिन आपको क्या निकालना है एक दाब भी निकालना है, तो एकांक क्षेत्रफल पर बल या दाब जानते हो आप या दाब कहते हैं एकांक क्षेत्रफल पर बल लगने वाला बल क्या होता है दाब होता है, तो उसको क्या हो जाएगा पी, तो पी का फॉर्मूला क्या होगा क्योंकि डेल एफ बराबर क्या हो जाएगा डेल एस, तुम्हें डेल एस क्षेत्रफल पर बल लगता है डेल एफ, तो यहाँ पर आप जानते हो डेल एस क्षेत्रफल पर बल लगता है डेल एफ, तो डेल एफ अपॉन डेल एस क्या हो जाता है दाब के बराबर होता है, तो पी बराबर क्या जाएगा आपके पास डेल एफ का मान कितना है अपने पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और डेल एस हो जाएगा अपॉन यहाँ पर क्या है डेल एस, तो डेल एस से डेल एस कट जाएगा तो पी बराबर आपके पास क्या जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो इसकी सतह पर लगने वाला जो कुल दाब है वो तो कितना है इसकी सतह पर लगने वाला जो कुल दाब है वो तो कितना है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी सतह पर लगने वाला जो कुल बल है इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन
और डेल एस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आवेश साले की सतह पर बल और दाब ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आगे पढ़ेंगे अपन जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।